नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पी के एथलेटिक कोचिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी 280C बेंगलोर भर्ती के बारे में। दोस्तों, आर्मी ने 280C बेंगलोर में लेबर, मजदूर, क्लीनर, MTS आदि बहुत से पदों पर यह भर्ती निकाली थी। इसमें टोटल 400 पदों पर यह भर्ती थी। इस भर्ती के फार्म सितंबर में भरे गए थे। दोस्तों, इस भर्ती के फार्म रिजेक्ट होकर वापस आने शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारे चैनल पर आर्मी ऑफ लाइन फार्म से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो 280C बेंगलोर में यह भर्ती आई हुई थी। इसमें आप देख सकते हो ड्राइवर की इसमें टोटल 115 वैकेंसी, क्लीनर की 67, कुक की 15 वैकेंसी, सिविल इंस्ट्रक्टर की 3 वैकेंसी और नीचे आप देख सकते हो लेबर की 193। टोटल 400 पदों पर यह भर्ती रहने वाली थी। इस भर्ती के फार्म सितंबर में भरे गए थे और इस भर्ती की लास्ट डेट 17 सितंबर रहने वाली थी। दोस्तों, इस भर्ती के एडमिट कार्ड रिजेक्ट होकर वापस आने शुरू हो चुके हैं। इसका एक ही रीज़न है कि बच्चों ने लास्ट डेट के बाद इस फार्म को अप्लाई किया था, इसलिए उनके फार्म रिजेक्ट होकर वापस आने शुरू हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक लड़के का यह फार्म आज रिजेक्ट होकर वापस आ चुका है, क्योंकि उसका फार्म 17 सितंबर के बाद वहाँ पर पहुँचा था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उसका फार्म लास्ट डेट के बाद वहाँ पर पहुँचा था, इसलिए इस फार्म को रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए आप अपनी स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग को चेक कर सकते हो। इस भर्ती की लास्ट डेट 17 सितंबर रहने वाली थी। यदि किसी बच्चे का एडमिट कार्ड आया तो वह हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड रिजेक्ट होकर वापस आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 17 सितंबर थी। उसके बाद जिन बच्चों ने फॉर्म भेजा है उनके रिजेक्ट होकर आने शुरू हो चुके हैं। इस लड़के का एडमिट कार्ड वापस इसलिए आया क्योंकि इन्होंने 16 सितंबर को यह फॉर्म स्पीड पोस्ट कराया था, लेकिन उसका फॉर्म यह वहाँ पर नहीं पहुँचा, इसलिए इसका फॉर्म रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है। इसलिए आप अपनी स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग को चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म कब भेजा है। इस भर्ती के एडमिट कार्ड आपको नवंबर में देखने को मिलेंगे। अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको इसके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और नवंबर में इसके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसके एडमिट कार्ड आपको नवंबर में देखने को मिलेंगे। इसके एडमिट कार्ड की छटाई अभी चली हुई है, इसलिए कई बच्चों के रिजेक्ट होकर वापस आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 17 सितंबर के बाद ही फॉर्म भेजा है और कई बच्चों के फॉर्म भी लेट पहुंचे हैं। इसलिए आप अपनी पोस्ट ट्रैकिंग को चेक कर सकते हो। यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद।